शांति, नमस्कार। संगीत और ज्ञान दोनों का जहाँ समावेश हो वो है गीतांजलि कार्यक्रम। तो एक बार फिर से इस सुंदर कार्यक्रम में आप सबका प्यार भरा अभिनंदन और अभिवादन। आज हम बात करेंगे उस दुनिया, उस लोक के बारे में जहाँ दुनिया का हर इंसान, हर धर्म और हर धर्म के शास्त्र में उस लोक के बारे में, उस दुनिया के बारे में जिक्र है, और वो है स्वर्ग। जी हाँ, कोई स्वर्ग को हेवन कहता है तो कोई उसे पैराडाइज कहता, कोई बहिष्ट कहता है तो उसे गार्डन ऑफ ईडन कहता है, और कोई उसे खुदा का बगीचा भी कहता है, और भारत में उसे परिस्थान के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या है ये स्वर्ग? कहाँ है ये स्वर्ग लोग? क्या आसमान के ऊपर, या आसमान के ऊपर से कहीं दूर किसी ग्रह में, या स्वर्ग लोग केवल कल्पना मात्र ही है? तो आइए आज के इस गीतांजलि कार्यक्रम के अलग अलग गीतों के माध्यम से जानेंगे स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज, बहिष्ट के बारे में। तो शुरू करते हैं पहले गीत से, जिनके बोल हैं, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा, जमुना, कृष्ण और कावेरी बहती जाए, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाएं,
ये अमृत पिलवाए, कहीं ये फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। खुशी का चारों ओर है घेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती रंग बेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ताला डाले और प्रेम की बंसी जहां बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बहुत सुंदर, जितने पुराने गीत उतने ही सुंदर संगीत और उतने ही गहरे भाव उसमें समाहित होते हैं। इस गीत में भी बहुत ही सुंदर तरीके से स्वर का विवरण दिया गया है और कहा है कि काल चक्र के अंदर ऐसा भी एक काल था जब भारत भूमि सोने की चिड़िया नाम से जाना जाता था। उस काल को ही स्वर्णिम काल सत्युग कहा करते थे, जहाँ सुख और चैन की बंसी बजती थी, जहाँ पर सत्य अहिंसा और धर्म का बोलबाला हुआ करता था और जहाँ पर एक एक बालक श्री कृष्ण के समान और एक एक बालिका श्री राधे के समान सोलह कलाओं से संपन्न हुआ करते थे और इसी को ही सत्युग अर्थात स्वर्ग कहा जाता था। आप जरा सोचिए, जब भारत भूमि इतना सुखी थे, इतने धन धान्य से संपन्न थे,
तो अन्य देश भी उतने ही सुखी और इतने ही संपन्न होंगे, अर्थात न केवल भारत भूमि परंतु समस्त संसार को ही स्वर्ग लोग देव भूमि कहा करते थे। वहाँ पर कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, किसी नगर में किसी द्वार पर कोई ताला नहीं लगता था, क्योंकि हर कोई संपन्न थे, हर कोई सुखी थे, हर कोई इच्छा मात्रम अविद्या थे। यही तो है स्वर्ग जो धरती पर पहले बसा करते थे। तो बहुत ही सुंदर तरीके से गीतकार ने हम सब के समक्ष स्वर्ग का साक्षात्कार करा दिया, बहुत सरल शब्दों से और बहुत ही सुंदर ढंग से। अब चलते हैं अगले गीत की ओर और इस गीत के द्वारा और ही गहरे और स्पष्ट रूप से स्वर्ग को जानेंगे। इस गीत के बोल है, सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सुख अपार होंगे, खाने को छप्पन भोग। सुख अपार होंगे, खाने को छप्पन भोग। सोने की दुनिया होगी। राधे कृष्ण के संग सभी करेंगे रास, झिलमिल महलों में देवता करे निवास। राधे कृष्ण के संग सभी करेंगे रास, झिलमिल महलों में देवता करे निवास। देवता करे निवास, आठों प्रहर उत्सव ऐसा बनेगा यो। सुख अपार होंगे, खाने को छप्पन भोग। सोने की दुनिया होगी। स्वर्ग में होगी सदा सुंदर बहार, पशु पक्षी भी मिलकर बांटेंगे ऐसा प्यार। स्वर्ग में होगी सदा सुंदर बहार, पशु पक्षी भी मिलकर बांटेंगे ऐसा प्यार। बांटेंगे ऐसा प्यार, लंबी आयु जीने को प्रकृति करे सहयोग। सुख अपार होंगे, खाने को छप्पन भोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सुख अपार होंगे, खाने को छप्पन भोग। सुख अपार होंगे, खाने को छप्पन भोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी। अति सुंदर गीत हम सब ने सुना। कहा जाता है, हिस्ट्री रिपीट्स बाय इटसेल्फ, इतिहास अपने आप फिर से दोहराता है। भारत सोने की चिड़िया थी, समस्त भूतल स्वर्णिम काल से गुजरे थे।
तो अब ये हिस्ट्री अर्थात ये इतिहास बन चुका है। ये इतिहास फिर से दोहराया जाएगा अर्थात सोने की चिड़िया भारत फिर से बनेगी, स्वर्णिम संसार फिर से आएगा। इसी भाव को गीतकार ने इस सुंदर गीत में वर्णन किया गया है और साथ ही साथ स्वर्णिम काल में सतयुग में स्वर्ग में लोग कैसे होंगे, वहाँ के आचार विचार व्यवहार रहन सहन क्या होगा, इस बात को भी बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है। गीतकार ने यही कहा, वहाँ के लोग देवी और देवताएं होंगे अर्थात 16 कला संपन्न संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म वाले लोग वहाँ पर वास करेंगे। और साथ ही साथ ये भी कहा कि सब लोग इतने संपन्न धन धान्य से संपन्न होंगे कि हर कोई महलों में रहने वाले होंगे, हर कोई 56 प्रकार के भोग पान करने वाले होंगे और साथ ही साथ प्रकृति इतना सहयोगी साथी या यूं कहो कि प्रकृति दासी बन जाएंगी और प्रकृति प्यार से सभी मनुष्य आत्माओं की सभी देवताओं की सेवा करेंगे। वनस्पति इतने श्रेष्ठ होंगे कि वे फूल और फल भी श्रेष्ठ ही प्रदान करेंगे। पशु पक्षी जिस तरह देवी देवताएं प्रेम प्यार से रहते हैं वे भी प्रेम प्यार से आपस में रहेंगे। शरीर रूपी प्रकृति भी मर्यादा के अंदर ऐसे रहेंगे जो कभी काल से पहले मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। कहा जाता है देवी देवताएं अमर हुआ करते थे। अमर का भावार्थ है अकाले मृत्यु को प्राप्त करने वाले नहीं होंगे। तो ऐसे सुंदर संसार का वर्णन इस गीत में किया गया है और इसी आस और विश्वास के साथ किया है कि ऐसे सुंदर स्वर्णिम संसार, ऐसा स्वर्ग भूमि, ऐसे देव भूमि फिर से आने वाला है और बहुत ही जल्द आने वाला है। इसी विश्वास के साथ बहुत सुंदर रीति से गीतकार ने वर्णन किया। चलते हैं अगले अंतिम गीत की ओर जिनके बोल है भारत फिर भरपूर बनेगा। Thank you.
भारत का सितारा विश्वपाल पर चमकेगा, नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज चमकेगा। अब देर नहीं भारत का सितारा विश्वपाल पर चमकेगा, नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। सत धर्म के चारों पांव पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी, सत धर्म के चारों पांव पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। तीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी, कोई नहीं कमी भगवान। जहाँ पर आते हैं गीता गंगा गौ गायत्री का जयमान बढ़ाते हैं, जगत गुरु यह भारत है। भगवान जहाँ पर आते हैं गीता गंगा गौ गायत्री का फिर से मान बढ़ाते हैं। है धन्य धन्य अपनी माटी जो फिर से देव भूमि होगी, है धन्य धन्य अपनी माटी जो फिर से देव भूमि होगी। तीरों से आकाश भरा, भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी, भारत फिर भरपूर बनेगा। बहुत सुंदर गीत सुना और इसमें बहुत गहरे मर्म भी छुपे हुए हैं। भारत फिर भरपूर बनेगा, ये भूतल फिर से स्वर्ग भूमि कहलाया जाएगा, परंतु कैसे स्वर्ग बनेगा, क्या अपने आप बनेगा, किस विधि से बनेगा, किस रीति से बनेगा, इस गहरे भाव को, इस गहरे रहस्य को बहुत ही सुंदर तरीके से खोला गया है। इस राज को कहा, सत्य धर्म के चारों पाव पर नई सृष्टि की सतयुगी सृष्टि थमी होगी, अर्थात नई सृष्टि नया स्वर्ग फिर से पुनर्स्थापन करने के लिए सबसे पहले हमें अपने अंदर सत्य धर्म की स्थापना करना होगा। सत्य धर्म अर्थात सत्यता की धारणा, मन में विचार में सत्यता, दृष्टि में सत्यता, बोल में सत्यता, व्यवहार में सत्यता, संबंधों में सत्यता हो। मैं कौन हूँ इस बात की सत्यता, परमात्मा कौन है इस बात की सत्यता, जब इस सत्यता की धारणा मैंने अपने अंदर की होगी तो इसी को ही कहा जाता है सत्य धर्म की स्थापना। जब ये सत्य धर्म की स्थापना हर कोई जब अपने अंदर करेंगे तो हर कोई का सौभाग्य का सूरज चमकेगा, अर्थात फिर से स्वर्ग वापस आएगा, फिर से नई सृष्टि की स्थापना होगी।
इस बात को बहुत ही सरल और बहुत ही सुंदर तरीके से गीत में स्पष्ट किया गया है। और ये भी कहा है कि भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा, क्योंकि स्वयं सतगुरु भगवान इस भारत पर पधारे हैं, इस भारत पर अवतरित हुए हैं और हम सबको सत्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं। जब हम उनके ज्ञान के अनुसार, उनके मार्गदर्शन के अनुसार चलेंगे तो भारत फिर से सभी देशवासियों के लिए, सभी विदेशी आत्माओं के लिए फिर से विश्व गुरु बन जाएंगे। ये बात बहुत ही सुंदर तरीके से स्पष्ट किया है। तो ऐसे सुंदर विश्व की स्थापना के लिए, स्वर की स्थापना के लिए आइए हम और आप मिल करके इसमें हम योगदान दें। शुरुआत अब से करें, अभी से करें, अपने सत्य की पहचान लें, अपने अंदर सत्यता की धारणा करें और अपने अपने घर को स्वर्ग बनाएं। जब हर कोई अपने अपने घर को स्वर्ग बना लेंगे तो समस्त सृष्टि अपने आप स्वर्ग में तब्दील हो जाएगा। इसी शुभ भावना और शुभ कामना के साथ आज यही तक ही मुलाकात होगी आपके साथ। फिर मिलेंगे अगले सप्ते, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, ओम शांति।